की सियासत किसका बनेगा महापौर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आ चुके वार्ड क्रमांक 66 में, जहाँ पे हमारे साथ एक शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार योगिता तुषालकर जी हमारे साथ है। उनसे सीधा बात करेंगे हम कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर कौन से मुद्दों को लेकर वो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जाना चाहते हैं, लोगों के भी जाना चाहते हैं। सर योगिता जी, ये बताइए कि कौन से मुद्दों को लेकर, स्थानीय कौन से मुद्दों को लेकर आने वाले महानगर पालिका में जाना। आजकल स्लम एरियाज में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि वाटर और जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे स्लम एरियाज में बहुत है, और SRA की भी प्रॉब्लम्स बहुत है कि उन लोगों को तोड़ के, घर तोड़ के उन लोगों को शिफ्टिंग में शिफ्ट किया गया है, पर उन लोगों को अभी तक घर का कुछ पता नहीं है। इस मुद्दे पे मैं वर्क करूँगी। तो आज की सभा जो हुई थी भव्य सभा, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, तो जो स्थानीय नगर सेवक ने जो काम नहीं किया है, पब्लिक का जैसे आक्रोश है, उसके बारे में कौन सी समस्या आपको पब्लिक बता रही है, कौन सी समस्या इस वार्ड में? शिवसेना को तो अभी 20 इयर्स के बाद चांस मिला है, अभी हम लोग डोर टू डोर विजिट कर रहे, तो एक भी ऐसे जनता नहीं बोल रहे कि हाँ इस नगर सेवक ने जो थे कांग्रेस के, उन्होंने एक काम हम लोग को करके दिया, किसके भी मुंह से नहीं। हम लोग वो बोल रहे क्या, हम लोग को शिवसेना चाहिए जो इस एरिया में काम कर सके। शिवसेना, ये थे योगी, उन्होंने बताया बहुत सारी समस्या नगर सेवक द्वारा, ताकि स्थानिक नगर जुड़ा ही नहीं है। हमारे साथ कुछ स्थानिक लोग हैं, माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे हम, कैसा सहयोग रहेगा योगिता जी के बारे में। जो लोग यहाँ पे माने जा रहे हैं, सहयोग योग्यता जी को अभी इस बार हम लोग को जिताना है। यहाँ के लोग जो भी नगर सेवक पहले थे, वो 15 साल से कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ 2 दिन से हम लोग दे रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज बोलते हैं शेर आया शेर आया। ये क्या शेर आया भाई, हम लोग क्या इधर, हम लोग क्या, ये हम लोग क्या कोई अपना बकरी बिक्री है, शेर आया हम लोग को डरा रहे क्या? अब हमको योग्यता को लाना है, शिवसेना को लाना है। अरे जो शेर आया ना, यहाँ पीछे जंगल है, वहाँ बहुत बड़ा गटर है, उसके अंदर उनको डालना है। और ये मोदी साहब, और दूसरा मैं लोगों से ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर चाय बेचता हुआ दिखे, खास तौर से अगर स्टेशन के करीब, तो उसको जरा मान सम्मान दे और उससे डरे नहीं, क्योंकि कल वो बन सकता है मोदी, वो भी तो उसको उसका शादी भी करा देवे, नहीं तो हम लोग तो मोदी साहब को झेल लिए। हमारा जो आने वाला, हमारे जो रहेंगे बच्चे, वो नहीं झेल पाएंगे। तो चाय वालों से बिल्कुल डरना नहीं है, उनको सम्मान करके अच्छे से चाय का पैसा देना, टिप भी देना। ये थे कुछ स्थानीय लोग, माइनॉरिटी के लोग, जिन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्या, और पूर्व नगर सेवक जो काम नहीं छोड़ा पाए, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा युवा महिला जो है, युवा लड़की जो है, उससे सीधा बात करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट उनको शिवसेना ने दिया है कि युवा कैंडिडेट दिया है, तो इसके बारे में कौन सी समस्या है महिलाओं की इस स्थानीय वार्ड में, इससे सीधा बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम चाहते हैं कि शिवसेना आए, क्योंकि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है शिवसेना के जरिए। हमारी बहन करी है, ये हमारी बहन जैसी है। चाहते हैं कि पूरे जगहों से, हर जगह हमारी शिवसेना आए, क्योंकि हमें इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है। हमने प्रॉब्लम देखी है, गटर की हो, पानी की हो, हर चीजों से हमने झेला है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमें शिवसेना को जिता के लाना है, और शिवसेना को हम आगे बढ़ाएंगे। योगिता जी, एक युवा उम्मीदवार शिवसेना ने आपको दिया है योगिता जी के रूप में, तो कौन सी स्थानिक महिलाओं की जो समस्या है, आप योगिता जी द्वारा छुड़ाना चाहते हैं? बहुत सी समस्या है कि हम पढ़े लिखे नेता है, ये कि हम भी पढ़े लिखे हैं, और हमको उनको इतना आगे बढ़ाना है कि हम हर समस्याओं का समाधान कर सके, और जो महिलाओं की मेन समस्या है उनको ज़रूर हम उनका हक दिलाएंगे और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। वार्ड में आई मेरी बहन है योगिता कुशालकर जो है, वो मेरे बहन है, तो 2-4 दिन से मैं आ रहा हूँ कंटिन्यू इसके प्रचार के लिए, यहाँ पर आ रहा हूँ। आया तो यहाँ पे गली गली में घूम रहा हूँ, सब जगह सोहाड़ में घूम रहा, तो लोग, कई लोग, मैं खुद मुस्लिम समाज का हूँ, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं कि बोलते भाई हम लोग को परिवर्तन चाहिए, उनको बदलाव चाहिए, कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ काम नहीं होते, और आप आओ। मेरे को कई मुसलमान भाई बहनों ने भी इधर बोला है, बोले आप आओ हमारे इधर। ये तो मेरी बहन ही है, और इसके जो पिताजी है वो हमारे माजी शाखा प्रमुख भी है, 2-3 हमारे शिवसेना संगठन में अच्छे पोस्ट पर भी है, और वो एक्टिव है, मतलब 24 घंटे लोगों की खिदमत करने वाले बंदे हैं।
मैंने भी आके मतलब सभा सभागों में संबोधित किया, लोगों को बोला कि भाई हम लोग 24 घंटे राउंड द क्लॉक लोगों की सेवा में हाजिर रहते, एक ही पार्टी है शिवसेना है, जो लोगों के लिए आप उनको जिता दीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम, अभी गजानन कीर्तिकर साहब आकर के यहाँ के जो लोकल सांसद हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अगर काउंसिलर फंड कम पड़ता है तो मैं एमपी के फंड से तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे काम करूँगा। और यहाँ के समझो अगर ये लड़की जीत कर आती है, मेरे बहन योग्यता चुनकर आती है, तो यहाँ ये जो भीड़ भर आपको नजर आ रही है, जो लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है, रोड पे खड्डे हैं, सब आपको बहुत अच्छा मतलब एकदम डेवलप मिलेगा, डेवलप महिला का सहयोग है, हमारी सबसे छोटी उम्मीदवार है, इसलिए हम सब महिला एकजुट होकर के उसको योगदान कर रहे हैं। सब हमारी शिवसेना को ही मत है, हमारी यही जीतेगी, एकता ही जीतेगी हमारा पूरा। योगिता जी जो अगर जीत के आती है हाँ। तो बाकी जो मतलब उम्मीदवार है खाली आश्वासन देते चुन के आने के बाद हाँ, बहुत से आश्वासन दिया है, लेकिन इनसे उम्मीद है कि ये हम लोग के ऊपर खड़ी उतरेगी। कोई कठिनाई नहीं आ रहा है, मैं पिछले 11 साल एज ए शाखा प्रमुख ये वार्ड में दो बार MP, दो बार आमदार की और दो बार कॉरपोरेशन लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है एज ए शाखा प्रमुख, तो मुझे बिल्कुल वो नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं कि वार्ड में मैं अब तक कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों के डोर टू डोर हम लोग विजिट हो चुका है हमारा, क्योंकि मुझे आनंद है, अनुभव था, वो अनुभव का पूरा जो श्रेय है हमारे विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब ने एक उसमें से चुन के मुझे ये जवाबदारी दी, और मुझे इस वार्ड का जो मैंने 11 साल मेरे पार्टी पर रह के जो काम किया था वो काम का पूरा सहयोग मैं मेरे कार्यकर्ताओं के दम पे मैंने लिया, और दो बार डोर टू डोर, ना के डोर टू रोड, मैं डोर टू डोर हमारे उम्मीदवार भी यंग डायनामिक कॉन्फिडेंटली और पढ़ी लिखी, जो कि 227 वार्ड में से वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट दी, भरोसा रख के हमको पार्टी प्रमुख ने दिया है माननीय उद्धव जी का हम ये शुक्रगुजार है, और हमको काम करने का योगदान मिला है, और हमारे में रोष है, हर्ष उल्लास है, लोगों में भी 20 साल का जो गैप था, जो गठबंधन में जो दो बार BJP, दो बार एक बार RPI, और उसके पहले शायद कॉरपोरेशन इन्होंने लड़ा था, तो ये जो उत्साह का वातावरण है हमारे 66 के वार्ड में, इसका एक अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी जो BJP और सेना का जो गठबंधन टूट चुका है, तो आपको लगता है इसका असर ये वार्ड में पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भाजपा का जो नगर सेवक दिए वो हमारे जो हल्के के लोग हैं, चाहे वो आमदार हो या नगर सेवक है, वो अभी तक यहाँ घूमी नहीं है ना आई है। ये आमदार जो चुन के गए वो हमारे लोगों को पसंद ही नहीं करता है, ना झोपड़पट्टी के लोगों का काम करता है, तो इसे आमदार ने और वैसी उम्मीदवार दिया है जो कि झोपड़पट्टी में आने से कतराती है, झोपड़पट्टी वालों का समस्या सुनने को तैयार नहीं है, ना झोपड़पट्टी में उसका विजिट हुआ है, तो ये इस तरीके का जो माइनॉरिटी जो मत है, लोग हैं, उनके मन में चिढ़ था कि भाजपा को ये टाइम पे दिखाना है। हमने तो ठानी है शिवसेना ने कि ये प्रभाग 66 में नहीं तो पूरे मुंबई में पुरजोर से शिवसेना एक हाथी सत्ता लेके मुंबई का महर अपना भगवा ध्वज फहरा के बैठने का हमने चंग बांधा है। ये थे यलप्पा जी, जिन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे, और महापौर भी सेने का ही बैठेगा। यहाँ की स्थानिक जो समस्या है, बहुत सारी समस्या है जो पूर्व जहाँ की स्थानिक नगर सेवक ने नहीं छुड़ाई है। अगर यहाँ की स्थानिक जनता योगिता जी को मतदान करती है और जिता के लाती है, तो स्थानिक जनता को भी लगता है कि योगिता जी आश्वासन नहीं देगी, वो उनको पूरा करके दिखाएंगे। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं प्रतिनिधि फ्लैश के लिए।